हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आई टी आई जब मैं देश के युवा पीढ़ी सभी जीरो का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे मैं हिंदी का क्लास आप लोग का एक से सौ तक ले चुका हूं एक टू हंड्रेड यहां पे ले चुका हूं तो अब आज हम लोग हंड्रेड से एक सौ पच्चीस क्वेश्चन टच करेंगे तो मतलब क्या आज पच्चीस क्वेश्चन टच होगा आप लोग का तो आप लोग धैर्य पूरा पूरा वीडियो देखिए और एक तो और बात बता दूं कि टेंडर जो अभी कैंसिल हुआ है वो आप लोग का ये एग्ज़ाम वाला टेंडर नहीं है ये दूसरा चीज़ का टेंडर है बहुत सारा टेंडर होता है बीच पी भी में बहुत सारा टेंडर कुछ भी जैसे कि कोई यार्ड को लाइट खत्म खराब हो गया कोई चीज़ को नया थी वहाँ पर स्थापना करना है उसके लिए पोल गारना है उसके लिए मैनुफैक्चरिंग करना है नया नया कुछ भी करना है तो वहाँ पर टेंडर किया छोटा मोटा टेंडर आ रहा था वो अपना पहले आप अपना ना एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिएगा जो निकला है एडवर्टाइजमेंट नंबर कहिएगा तो मैं वीडियो भी इसको उस पर बनाकर मैं डाल दूंगा ठीक है तो आप लोग को वो सब नई नेगेटिविटी नहीं लाना है ठीक है एक बार कैंसिल हो गया बराबर नहीं होगा और आप लोगों का कमेंट रहता है कि सर खोजने में दिक्कत होता है वीडियो तो देखिए मेरा वीडियो आप लोग का जो स्पेसिफिक क्लास होता है मैं ऊपर में ही बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का ये लोगो लगा होता है और जो मैं क्लास लेता हूँ उसे हिंदी लेता हूँ तो हिंदी लिख देता हूँ इंग्लिश लेता हूँ तो इंग्लिश लेता लिख देता हूँ जो लिखता हूँ वहाँ पर क्लास यहाँ पर लिख दिया जाता है कि छब्बीस है सताईस है वो सब लिख दिया जाता है तो आप लोग को खोजने में दिक्कत ना हो ठीक है क्योंकि ये जो है चैनल बनाया गया है ऑल ओवर इंडिया जॉब अपडेट और आप लोग को पढ़ाने के लिए तो मैं जॉब अपडेट भी देता हूँ क्योंकि आप लोग का कमेंट आने लगता है जब मैं क्लास लेता हूँ तो सर जॉब अपडेट भी कुछ दीजिए नया तो आप लोग ये सब निगेटिविटी से दूर रहिए और आप लोग के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जस्ट अभी रात में वीडियो था लेकिन सुबह में मैंने अपलोड किया है रात में मैंने उसको वो रिकॉर्ड किया था हाउ टू करेक्ट बी एच पी सी एल एग्जाम दो हज़ार बाईस एकदम पूरा स्ट्रेटी को वो, वो वीडियो पूरा देखिए जाकर पूरा स्ट्रेटजी वहाँ पर फॉलो कैसे कैसे क्या करना है कितना ट्रेनिंग में कितना पैसा मिलेगा फ़ी कितना देना है क्वेश्चन लेवल क्या होगा क्वेश्चन क्या होगा निगेटिव मार्क होगा कि नहीं होगा तैयारी कैसे करे स्टार्टिंग में सैलरी कितना मिलेगा डेबी डी डी भी मतलब कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कैसे होगा पुलिस वेरीफिकेशन कैसे होगा क्या होगा हर चीज़ डिटेल में वहाँ पर बात किया गया है लगभग में पच्चीस छब्बीस मिनट का वीडियो है तो आप लोग पूरा वॉच कर लीजिएगा आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो आगे बात करते हैं हम लोग पॉइंट पे कि देखिए यहाँ पे सौ क्वेश्चन आप लोग का हो गया तो सौ से आगे क्वेश्चन पच्चीस क्वेश्चन आज बात होगा तो एक सौ एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न निम में से भाव वाच्य वाच्य वाक्य का चयन कीजिए मतलब भाव वाचक का वाक्य का चयन करने के लिए बोल रहा है वह रोती है स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई थी फाइजा द्वारा पकाई गई थी वह कौन है उन लोगों से आवाज़ खेला नहीं जाता उन लोगों से आज खेला नहीं जाता सॉरी उन लोगों से आज खेला नहीं जाता ये है इसका क्या होगा बताइए हमें जवाब चाहिए उन लोगों से आज खेला नहीं जाता क्या होगा इसका राइट आंसर उन लोगों से आज खेला नहीं जाता आप लोगों को राइट यही आंसर है ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग एक सौ दो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो जो पर्वत पर उगने वाला हो जो पर्वत पर घूमने वाला हो जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो तो इसका जवाब दीजिए क्या होगा आप लोग को देखते ही मार देना है क्या कि जो पर्वत प्रवृत्ति प्रवर्तीय शब्द का क्या है कि यहाँ पे जो पर्वत पर रहने वाला हो तो आप लोग का राइट आंसर कहाँ है यहाँ पे आप लोग का ए राइट आंसर है एक सौ तीन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कल कहा कि जिनका कोई अंत नहीं होता नहीं होता के लिए एक शब्द लिखिए जिनका अंत नहीं होता के लिए एक शब्द लिखिए आदि अनंत अनंदी अनंत और देखिए न नंश नंश अत है अनंत भी है एन अन, अनंत है बताइए क्या होगा ये राइट कौन है चारों गो अनंत तो है शब्द मतलब आपको राइट कौन सा शब्द है इसमें बताना है आप लोगों को तो क्या होगा अनंत यही राइट आंसर होता है बी चार नंबर में एक सौ चार देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है बहुत बड़ा पंक्ति है देख लीजिए ये पंक्ति में थोड़ा जूम कर छोटा कर देता हूँ क्रोध एक क्षणिक भाव है सामान्यतः जब किसी घटना या बात पर किसी कारणवश क्रोध आता है तो कुछ समय के बाद शांत हो जाता है इसके विपरीत बैर कोई क्षणिक भाव नहीं है और ना तो क्षण में उत्पन्न होता है और ना ही क्षण में शांत होता है और यह क्रोध ही आगे चलकर का, कालांतर में बैर का रूप धारक कर लेता है उपरोक्त गंधास का संक्षेप कीजिए संक्षेपण कीजिए मतलब कि बताना है आप लोगों को कि आचरण सजन सजनता की चक्रोटी है मन के हारे हार है मन के जीते जीत या दृढ़ निश्चित सफलता की कुंजी है या बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है क्या होगा देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं ना बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है यही आप लोग का आंसर है डी 105 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है थोड़ा तो जूम कर देते हैं आप लोग को दिखाई दे तरनी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य नाव नदी युवती तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है तरनी वट इज तरणी क्या है नाव तैरनी मतलब तैरने वाला चीज है ठीक है तो क्या है नाव आप लोग का राइट आंसर ये है एक सौ छः नंबर देखिए कि एक सौ में क्या सिंह का, का प्रयावची है संग सांग शां, रंग इंद्र मृद मृग इनमें से कोई नहीं क्या होगा कोई नहीं है इनमें से कोई नहीं सिंह का एक सौ सात में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे कि एक लाठी से हाकना मुहावरे का अर्थ है एक लाठी से हाकना मुहावरे का अर्थ है अच्छे बुरे का अंत न करना अंतर न करना अच्छे बुरे का अंतर ना करना एक ही हाँठी से मतलब एक तरफा किसी का न्याय करना एक तरफा जो गलत कर रहा है तो उसको भी पक्षपात करना मतलब पूरा एक तरफा पक्षपात करना समान दृष्टि रखना कुछ भी न कर पाना गलत काम करना एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए ऐसे कोई बोलता नहीं है कि एक ही लाठी से हाँकता है दोनों का पक्ष देखो जब आप जाइएगा जब आप कुछ भी होता है जाइएगा कोर्ट में तो दोनों तरफ का बोली सुना जाता है ठीक है वहाँ पर जज साहब सुनते हैं कि अपना आप प्रस्ताव रखिए आप अपना रखिए बात रखिए दोनों को बात रखा जाता है सुना जाता है समझा जाता है तब जाकर निश्चय लिया जाता है कि राइट कौन है उसके हिसाब से वहाँ पर न्यायाधीश जो है आप लोग को देते हैं सजा देते हैं या कुछ भी देते हैं तो वही बात है कि एक लाठी से हाकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है यहाँ पे क्या है कि एक लाठी से एक तरफा मतलब अच्छे बुरे का अंतर ना करना जो भी है मेरे तरफ है बस इससे कितनों हंसुआ नहीं होता है वो आप कहावत हम लोग सुने होंगे कि जितनों कितनों भी हंसुआ भुथार होगा अपने तरफ खींचेगा तो वही है कि गलती भी किया है फिर भी वो अपने तरफ खींच रहा है अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ ही पूरा पक्षपात कर रहा है एक तरफा ठीक है तो ये आप लोग का राइट आंसर क्या हो गया यही है ठीक है पंचायत उचायत में आप लोग बैठे होंगे तो ये सब होते रहता है कि तो मेरा आदमी है हम ही को पक्ष बात करें हमारे हमरे पक्ष में बोलेगा एक तरफा तो बताइए यहाँ पे एक सौ आठ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि रिक्त स्थान के पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए अचानक वर्षा के आने आ जाने से समारोह का मज़ा डॉटेड हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे क्या डॉटेड दिया गया है क्या हो जाएगा यहाँ पे गाल बजाना बजाना या गुड़ गोबर या कलई खुल खुलना या आ, गागर में सागर भरना क्या होगा मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पे समारोह है अचानक शादी उदी में गए वहाँ पे क्या है वर्षा हो गया तो वर्षा हो गया तो पूरा छतरी उतनी जो है ऊपर से नहीं है एक बैग एकाएक आ गया तो सब नहीं बोलता है कि पूरा गुड़ गोबड़े हो गया अब हम लोग कहाँ खाएंगे भोज कहाँ खाएंगे ये सब ना बोलते हैं तो उसी से ध्यान रखिएगा कि अचानक अचानक क्या होता है अचानक वर्षा आता है वर्षा आने के बाद क्या होता है पूरा छित्री बित्री सब हो जाता है तना सिस्टम सब हो जाता है उधर पर ही भागने लगा उधर उड़ भागने लगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा ये टिक करने का ही तरीका है आपका गुड़ ओवर हो गया राइट आंसर आप लोग अपना स्कोर देख लीजिएगा बताइएगा आप लोग का मन होगा तो बताइएगा नहीं बताइएगा कोई बात नहीं है यहाँ पे एक सौ क्वेश्चन क्या पूछा है एक और एक ग्यारह होते हैं लोकाकृत का अर्थ है क्या है एक और एक ग्यारह होते हैं लोकाकृत का अर्थ क्या है संसार में सब संभव है भीड़ में बल है भीड़ में बल है संसार में सब संभव है संसार में हर चीज़ आप अगर ठान लिए तो आदमी ही करता है सब चीज़ खोज किया है हर चीज़ आसमान से जमीन से आसमान तक का सफर तय करने में बहुत कम समय में आप तय कर सकते हैं चांद पर जा आदमी जमीन खरीद रहा है वहाँ पर खोज कर लिया है तो आप लोग क्या है आप लोग आप लोग कुछ भी कर सकते हैं युवा हैं जुनून है एक्साइटमेंट है एकदम जोश जुनून के साथ रहिए पढ़िए लिखिए जो भी कीजिए जो चीज़ में आप चाहिएगा वो पा सकते हैं सफलता पा सकते हैं कदमों आपको चूमेगा बसरते आपको टारगेट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग चलना होगा उसके पीछे 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 चलना होगा तभी आप लोग कुछ कर पाइएगा अदरवाइज़ बस सोचने से कुछ करने से कुछ नहीं होता है उसको फॉलो करना पड़ता है तो यही बोल रहा है संसार में सब संभव है भीड़ में बल है सही बात है ठीक है यूनियन में बल होता है तो गणित विद्या में निपुणता प्राप्त प्राप्त संगठन में शक्ति है यूनियन क्या होगा बताइए एक और एक ग्यारह होते हैं लोकाकृत का अर्थ क्या है एक संगठन में सकती है ये आप लोग का राइट आंसर क्या है ये डी ओके so, दस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे एक तो चोरी दूसरे सीना जोड़ी लोकाकृत का अर्थ है क्या है ऐसे बोलते नहीं है एक तो चोरी किया उसके बाद से सीना जोड़ी कर रहा है तो ये चार ऑप्शन दिया गया अपराध करके छिपाना अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना या अपराध करके साफ मुकर जाना अपराध करके उसे गलत न मानना एक होता है ना आदमी गलत कर लिया तो एक्सेप्ट करता है कि भैया हमसे गलती हो गया सर हमसे गलती हो गया माफ़ कर दीजिए भैया हमसे गलती हो गया पापा हमसे गलती कर हो गया है हम जान से गलती नहीं किए हैं तो आदमी सोचता है कि यार ठीक है यार बच्चा खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हम गलती किए हैं तो उसको माफ़ कर दिया जाए चाहे वो कितना बड़ा भी गलती, गलती किया है लेकिन हाँ ये वो बोलने लगता है एकदम पूरा एकदम होता है कि नहीं नहीं हम गलती किए हैं लेकिन हम नहीं मानेंगे इस गलती हम पड़वे नहीं किए हैं तो क्या होता है कि इसमें कौन सा सेंटेंस आप लोगों का सही है यही बताना आप साप साप है आप लोगों को क्या देखिए यहाँ पर हम साफ साफ है अब बात करके छिपाना ये नहीं होगा अपराधी होकर उसे उल्ट अकड़ दिखाना अकड़ दिखाना दूसरा शब्द का हो जाता है ठीक है अपराध करके साफ मुकर जाना ये भी राइट नहीं है अपराध करके उससे गलत ना मानना यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक चोट दूसरे जो सीना जोड़ी लोकाकृत का अर्थ है यहाँ पे क्या अपराध भी किया और वो गलत मान भी नहीं रहा ठीक है तो यहाँ पे आदमी आदमी गुस्सा भी बढ़ता क्या, से क्या कर देता है तो देखिए एक सौ ग्यारह क्वेश्चन का पूछा गया महाकाव्य में होता है क्या होता है महाकाव्य में क्या होता है जीवन का खंड तिरण या जीवन का बेहद चित्र या दो छद्र या भाव क्या होता है वह महाकाव्य में क्या होता है कि जीवन का बृहद चित्र होता है वहाँ पे महाकाव्य में जीवन चरित्र ये सब चीज के व्याख्या ज्यादा वहां पे होता है तो आप लोग का राइट आंसर क्या है देखिए कहाँ जीवन है ये आप लोग का बी राइट आंसर है एक सौ बारह नंबर क्वेश्चन देखिए रुति नामक अस्थाई भाव की विवक्तुपति किस रस से हुई है रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति बापरे बाप रे बाप क्या क्या वर्ड है व्युत्पत्ति किस रस से हुई है करुण रस वीर रस श्रृंगार रस इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दिस किस रस किस रति नामक स्थायी भाव से व्यक्ति में रस की हुई है व्युत्पत्ति किस रस से हुई है बताइए आप लोग को पता है बताइए तो मैं जाबल दे देता हूँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा देखते हैं कौन बताता है रस से किस हुआ है। क्या है ये आप लोग का श्रृंगार देख रहे हैं ना श्रृंगार रस ये आप लोग का राइट है ओके आइए एक सौ तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है छद के आगो अंगो सॉरी छद के अंगों के आधार पर गन किसे कहते हैं छद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं तीन वर्णों के समूह को दो वर्णों के समूह को चार वर्णों के समूह से कोई नहीं क्या हो गया तीन वर्णों के समूह को यहां पे दिया गया ए में है तो आप लोग राइट आंसर यही होगा यहाँ पर देखिए एक सौ चौदह नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है निम्न में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है नरेश सम्राट नारिंदा या देवर्षी नरेंद्र देवर्षि, सम्राट नरेश बताइए क्या होगा सम्राट कौन से संधि का उदाहरण नहीं है सम्राट नरेश नरेंद्र या देवर्षि. आप लोगों का राइट आंसर क्या है सम्राट एक सौ पंद्रह क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ण संधि का उदाहरण है इत्यादि नयन रूपेश ठीक है एकक क्या होगा इत्यादि कहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में आपका राइट आंसर यही है एक्चुअल सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे कि दन, दरंदा, दन, दरंदा, 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 दरंदा का अर्थ है जोड़ा या युग्म या समूह क्रिया या इनमें से कोई नहीं क्या होगा ए जोड़ा या युग्म सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के समीप ठीक है इसका जवाब दीजिए आज पानी बहुत गिरा डॉटेड वाक्य है यहाँ पे खाली स्थान है आप लोग को यहाँ बताना है ये भरना है कि आज पानी बहुत गिरा वाक्य है सरल संयुक्त मिश्र इनमें से कोई नहीं आज पानी बहुत गिरा पता नहीं कि आज पानी बरसा बहुत हुआ आज पानी बहुत गिरा पानी लोग बहुत बर्बाद भी करता है तो पानी प्लीज़ आप लोग बर्बाद नहीं कीजिएगा जल ही जीवन है आज के समय में क्या हो गया है कि जल नल योजना जो हो गया है नीतीश कुमार जी ने कर दिया है लेकिन उसका लोग दुरुपयोग कर रहा है उससे लोग खेत पटा रहा है कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है ठीक है तो उसमें क्या है कि आप लोग क्या बताना है क्या होगा सरल पानी पीने वाला चीज को खेत पटाया जाता है बताइए गाय धोया जाता है बर्तन मजा जाता है आप लोग को भी देखे होंगे आप लोग अपने गांव घर में करवाए हम भी करवाए हैं झेल रहे हैं आज पानी बहुत गिरा वाक्य क्या है संयुक्त सरल मिश्र या से कोई नहीं क्या है देखिए सरल को राइट आंसर यही है ओके अठारह नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग बात करते हैं क्या है कि चंद के भरम होता मोद और कुमोदिनी को में अलंकार है विरोधा भाष भ्रांतमान या अतिशो अतीश, अत, यो, योग योगकृत या उपरोक्त सभी क्या होगा ये आप लोग का राइट आंसर होगा भ्रांतिमान भ्रांतिमान सोनीस में क्वेश्चन देखिए आंचल पसारणा मुहावरे का सही अर्थ है आंचल प्रसारणा आचल पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दया दिखाना भीख देना दया की भीख मांगना या दयावान बनना क्या होगा? सही क्या होगा? होगा? सही सही शब्द इसका मुहावरा क्या होगा दया की भीख मांगना आंचल अच्छा पसार देना तो क्या होता है इसका राइट आंसर क्या होगा दया की भीख मांगना आप लोग का राइट आंसर है बीस नंबर क्वेश्चन देखिए कि जैसे नागना नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकाकृत का सही अर्थ है लोकाकृत का सही अर्थ है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ का लोकाकृत सही अर्थ है क्या है एक सब समान है एक सब एक समान है सॉरी सबका मालिक एक दिखे होंगे लगा होता है तो वही सब एक समान है सब दृष्ट प्रकृति वाले एक समान है सब दृष्टि प्रकृति वाले एक समान है सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए सबको एक समान समझना चाहिए क्या होगा बताओ 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 सब दृष्ट प्रकृति एक समान है आप लोग का राइट आंसर ये इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन है आ, आ, ए, ए, उ, 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 अ आ ई अ ऊग वाह देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अयोग वाह पूछा गया है आप लोग से बताइए यह आप लोग का आंसर क्या अंग अ सौ बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है वर्ण की ध्वनियों का उच्चरण स्थान है नासिक या दत्त या या मलवय क्या होगा आप लोग राइट आंसर ये बी तेईस नंबर क्वेश्चन देखिए एक से अधिक उपस संगो, उपसंगो उपसंगो एक से अधिक उपसंगों से बना शब्द है आलोचना समालोचना या शाकाहारी या सहोदर क्या होगा बी राइट आंसर समालोचना होगा ठीक है चौबीस दुलारा में दुलारा में उपसंग है दो दू, दू, दू में देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ये दू दूसरा है ये दू दूसरा है वी उप है बताइए क्या होगा ये वाला राइट आंसर है आप लोग का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के समीप और उसके बाद आप लोग का छुट्टी हो जाएगा आप लोग आराम कर सकते हैं उसके बाद से फिर एक नया क्लास होगा इलेक्ट्रिकल क्लास होगा तो आत्श्रेय में उत्प्रय उत है ए, ए, या, आधे या ईशा इस ईश क्या है ये वाला राइट आंसर आपका ये। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच अपना स्कोर बताइएगा और कैसा लगा वीडियो वो भी बताइएगा कमेंट करके तो जय हिंद जय भारत जय बिहार आपका दिन सुबह